नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में जहां मलिष्का ने जहर पी लिया है और ऋषि और सभी लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि आखिरकार ये क्या हो गया है। लेकिन दरअसल वो जहर नहीं पिया है, वो एक ऐसा केमिकल था कि जिसे पीने के बाद में बेहोशी की हालत हो जाती है और झाग आ जाते हैं मुँह के अंदर, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग थी सोनल और मलिष्का की ऋषि के लिए, ताकि ऋषि को ऐसा लगे कि वहाँ वाकई में जहर पिया हो। लेकिन दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि अब सोनल चलेगी एक बहुत बड़ी साजिश, वो भी ऋषि के खिलाफ। वो जाएगी सोनल सीधा सीधा लक्ष्मी के पास में और लक्ष्मी से जाकर बोलेगी कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि मलिष्का ने जहर पिया है, तुम ही अब बचा सकती हो। जिसके बाद में लक्ष्मी खुद अपने मुंह से बोलती हुई नज़र आने वाली है ऋषि से कि ऋषि, तुम मलिष्का से शादी कर लो, क्योंकि वैसे भी तुम प्यार तो करते ही हो मलिष्का से और मलिष्का भी तुमसे प्यार करती है, तो फिर प्रॉब्लम कहां पर है। आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीका से लगातार मलिष्का इस अपने गेम को एक अलग अंदाज में खेलती हुई नजर आ रही है, ताकि किसी को पता भी नहीं चले और काम भी तमाम हो जाए। लेकिन दोस्तों, हे ऋषि की बात की जाए तो ऋषि को आभास होने लगा है कि इस गेम में पक्का मलिष्का अपनी चाल सोनल से चलवा रही है, क्योंकि सोनल ही इतनी खतरनाक और इतनी गिरी हुई चाल खेल सकती है, और सोनल ने जो ये चाल खेली है ये मलिष्का के कहने पर खेली है। साथ ही दोस्तों, वहीं पर ही ऋषि की मॉम नीलम बोलती हुई नजर आने वाली हैं कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम जल्द से जल्द ऋषि और मलिष्का की शादी करा देना चाहते हैं। इस तरीका से ऋषि की मॉम नीलम बोलती हुई नजर आने वाली हैं, क्योंकि नीलम की बात की जाए तो नीलम इस समय लक्ष्मी से बहुत ज़्यादा नफरत करती हुई नजर आ रही है। मलिष्का की दोस्ती इस समय लक्ष्मी को मानती है नीलम। साथ ही दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके जरूर बताइएगा इस कैसे लगे।